प्रकाश पर्व 2018 गुरुवार नानक देव के अनमोल उपदेशों का सभी को पालन करना चाहिए। सिख धर्म के सबसे पहले गुरुवार और संस्थापक गुरुवार नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस गुरुद्वारों और अन्य स्थानों पर कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सिख धर्म के अनुयायियों के अलावा अन्य धर्म के लोग भी इस दिन को बड़े ही धूमधाम से प्रकाश पर्व और उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक देव ने समाज को एकता में बांधने और जाति पाति को मिटाने के लिए कई उपदेश दिए थे। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार पर्व के अवसर पर गुरुवार नानक देव जी के उपदेशों के बारे में। गुरुवार नानक का पहला संदेश यह था कि भगवान एक है, वे हर जगह उपस्थित होते हैं। गुरुवार नानक देव ने ही एक ओंकार का नारा दिया था और कहा था कि सबका पिता वही है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए, हमेशा ही लोभ का त्याग करना चाहिए और मेहनत कर सही तरीकों से धन कमाना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पैसों और अन्य तरीकों से दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पैसा का स्थान हमेशा जेब में ही रहना चाहिए, इसे अपने हृदय से लगाकर नहीं रखना चाहिए, मतलब पैसों से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। गुरुवार नानक देव पुरुष और स्त्री को हमेशा ही बराबर मानते थे। उनके अनुसार कभी भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करें तो तनाव के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए और हमेशा खुशी रहना चाहिए।